प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारी समय समय पर जॉब स्विच करते रहते हैं। इससे लोगों को करियर की राह में आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन साथ ही कुछ दिक्कतें भी आती हैं। आपकी इसी दिक्कत को आज हम दूर करेंगे। ज्यादा दिक्कतें पीएफ अकाउंट से जुड़ी होती हैं, हालांकि अब इन्हें लगातार आसान बनाया जा रहा है। ईपीएफओ ने इसी कड़ी में एक और सुविधा दी है। इससे नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी खुद ही अपना एग्जिट मार्क कर सकते हैं। पीएफ से जुड़ी कई सुविधाओं के लिए एग्जिट डेट मार्क होना जरूरी होता है। अभी तक एग्जिट डेट मार्क करने का अधिकार सिर्फ कंपनी के पास था। कंपनी के द्वारा एग्जिट डेट मार्क नहीं करने के चलते कर्मचारी जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से निकासी नहीं कर पाते थे। इसके कारण पीएफ अकाउंट ट्रांसफर भी नहीं हो पाता था। अब ईपीएफओ ने कर्मचारियों को खुद ही एग्जिट डेट मार्क करने की सुविधा दे दी है। हालांकि ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होना बंद हो गया हो। आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने के 2 महीने के बाद कर्मचारी एग्जिट डेट मार्क कर सकते हैं। इससे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। आप मैनेज बटन पर क्लिक करें और मार्क एग्जिट को चुनें। अब नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण बताएं। आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। नीचे बने टिक बॉक्स को मार्क करें और अपडेट पर क्लिक करें। अब आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जिससे बताया जाएगा कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट